जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से आतंकियों ने अपनी नापाक साजिश को अंजाम देते हुए सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया है, जिसमें जवानों के घायल होने के साथ साथ शहीद होने तक की खबर है। आतंकियों की घाटी को दहलाने की साजिश बदस्तूर जारी है और एक बार फिर से आतंकियों ने सीआरपीएफ की टीम को अपना निशाना बनाया है। जम्मू कश्मीर के पंपोर बाईपास पर सीआरपीएफ के रोड ओपनिंग पार्टी यानी आरओपी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के पंपोर में एक गश्ती दल पर आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद सीआरपीएफ के कम से कम 5 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए थे। इनमें से 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर है। घायल जवानों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हमले के बाद राजमार्ग पर यातायात को भी रोक दिया गया। अधिकारियों ने इस हमले पर कहा कि क्षेत्र में हमलावरों को पकड़ने के लिए सेना के 50 आरआर और पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। ये घटना दोपहर 12:50 पर पंपोर के कंडी झाल पुल के पास हुई, जब जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 110 बटालियन के जवान सड़क खोलने की ड्यूटी कर रहे थे। 28 सितंबर को जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कहा कि शोपियां जिले के नीलडोरा इलाके में शाम को आतंकवादियों द्वारा एक नागरिक की हत्या कर दी गई। मृतक प्रखंड विकास परिषद का कर्मचारी था। 23 सितंबर को बडगाम जिले में एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अगले दिन शहर के हवाल इलाके में एक वकील की भी हत्या कर दी गई थी। आतंकियों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश हमारी सेना कर रही है और ऐसे में अब जब उनके हाथ पैर कसते जा रहे हैं, जिससे बौखलाकर अब उन्होंने सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। देखना होगा कि घाटी आखिर कब दहलना बंद होती है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।